आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 29,69,125 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 68,898 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 983 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 55,902 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 447 नए मामले। तो राज्य में शुक्रवार को कोरोना के 447 नए मामले सामने आए। सबसे ज़्यादा 106 मामले उधमसिंह नगर, 101 हरिद्वार और 95 दून में सामने आए। 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, इससे मौत का आंकड़ा 192 पहुंच गया है। तो शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 2, चमोली में 5, चंपावत में 9, पौड़ी में 11, टिहरी और पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 1, उत्तरकाशी में 41 पॉजिटिव केस मिले। राज्य में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 14,083 पहुंच गई है। वहीं अब तक 9,676 लोग ठीक भी हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 14,083 हो गई है। वहीं 9,727 लोग ठीक भी हुए हैं, 4,164 केस एक्टिव हैं, 192 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,837, नैनीताल में 2,039, टिहरी गढ़वाल में 824, हरिद्वार में 3,422, उधमसिंह नगर में 2,625, पौड़ी गढ़वाल में 371, अल्मोड़ा में 400, बागेश्वर में 194, चमोली में 228, पिथौरागढ़ में 221, रुद्रप्रयाग में 154, उत्तरकाशी में 531, चंपावत में 237। टोटल मामले 14,083 हो गए हैं। चारों धामों का रास्ता रुका। मलबा आने से 300 सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। तो मानसूनी बारिश की कहर से प्रदेश की सड़कें बदहाल हो रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग चट्टाने टूटने और मलबा आने से बंद हो गए। प्रदेश में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 300 प्रमुख और ग्रामीण सड़कें जाम हैं। मलबा आने से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। मकान गिरने से 2 बच्चे और पिता की मौत हो गई। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे बीड ब्लॉक के चेसर गांव में मकान गिरने से 2 बच्चों और पिता की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है। एक झटके में परिवार खत्म होने से मां सदमे में है। जिला अस्पताल में इसमें डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। दारचीन में अपना नया सैन्य ठिकाना बना रही है चीनी सेना। तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के अहम पड़ाव दारचीन में चीनी सेना की गतिविधियां देखी गई हैं। बताया जा रहा है कि चीनी सेना इस स्थान पर अपना नया सैन्य ठिकाना बना रही है। दारचीन की दूरी लिपू पास से 31 किलोमीटर है। उत्तराखंड में लागू करेंगे दिल्ली का विकास मॉडल। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने देश के सामने दिल्ली का विकास मॉडल रखा है, अब उत्तराखंड की जनता हमें मौका देती है तो हम दिल्ली के विकास मॉडल को नया उत्तराखंड बनाने के लिए लागू करेंगे। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव हम इसी पर लड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली पर सब्सिडी देने से लेकर के बेहतर स्कूल शिक्षा और रोजगार पर काम करेंगे। हर गांव में बनाएंगे गांव क्लिनिक और महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराएंगे। टिकटॉक ने हटाए 4,00,000 वीडियो। तो चीनी ऐप टिकटॉक ने 4,00,000 के करीब वीडियो डिलीट कर दिए। ये वीडियो कंपनी के भड़काऊ भाषण वाली नीतियों का उल्लंघन कर रहे थे। ओपनर कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया। तो प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा ओपनर कर्मचारियों को सरकार ने शुक्रवार को मानदेय बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है। अकुशल से अधिकारी श्रेणी तक ओपनर कर्मियों को हर महीने कैश इन हैंड के रूप में 1,626 और 5,935 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। जेई मेन नीट तय समय पर होंगे। तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई मेन और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षाएं तय समय पर क्रमशः 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को होंगी। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इसके आयोजन की तैयारियां कर ली हैं। एनटीए का मानना है कि कोरोना के चलते छात्रों का साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। भाजपा विधायक ने पुलिस को दिया महिला से चैटिंग का ब्यौरा। तो द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी ने ब्लैकमेलिंग मामले में व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा देहरादून पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। यह चैटिंग विधायक की पत्नी और आरोपी महिला में हुई। इसे मुकदमे में अहम साक्ष्य माना जा रहा है। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अफसर के घर चोरी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्य प्रबंधक के घर चोरी ने करीब 8,00,000 रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। युवक का शव मिलने के बाद अपहरण पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो देहरादून के पटेल नगर से खबर है, जहाँ पे पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने अपहृत युवक का शव मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 दोस्तों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में राज्य के लिए खुशखबरी है। राज्य
कि दो शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। कुमाऊं मंडल में बागेश्वर की कपकोट के पीटकुली के प्रधानाचार्य डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को पुरस्कार मिलेगा, जबकि गढ़वाल मंडल से देहरादून में कालसी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की उप प्रधानाचार्य सुधा पैनोली ने राज्य का परचम लहराया है। खबर आई है, जवान का पार्थिव शरीर ऋषिकेश पहुंचा तो जम्मू कश्मीर में तैनात एयरफोर्स के जवान रोहित मेठाणी का पार्थिव शरीर शुक्रवार देर शाम ऋषिकेश लाया गया। बीती बुधवार को ड्यूटी के दौरान उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। जम्मू जोशी मठ में 3 जवानों समेत 9 को कोरोना हुआ है तो जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 9 मामले सामने आए। इनमें 4 के जोशीमठ नगर के मारवाड़ी में पॉजिटिव मिले हैं, जबकि जोशीमठ में ही सेना के 3 जवान भी टेस्ट में संक्रमित पाए गए। गंगोत्री रेल लाइन को मांगी अनुमति तो रेल विकास निगम ने उत्तराखंड सरकार को भेजा पत्र। 153 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछानी है दोनों धाम जोड़ने के लिए। डिग्री कॉलेज में 2 घंटे का होगा पेपर तो राज्य के डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय में परीक्षा कराने के लिए शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उच्च शिक्षा विभाग में इस बार परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे में पूरी करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे राज्यों से छात्रों की कोरोना जांच जरूरी तो धन सिंह ने कहा, तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज में व विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों से परीक्षा देने आने वाले छात्रों को कोरोना जांच अनिवार्य रूप से कराना होगा। NTA ने 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा समेत 6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी। ये परीक्षाएं सितंबर से 4 अक्टूबर के मध्य आयोजित की जाएंगी। तो इसमें इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बेजर डिग्री प्रोग्राम की परीक्षा 7 से 8 सितंबर, इग्नू ओपनमेंट MBA की परीक्षा जो है वो 15 सितंबर, UGC नेट की जो परीक्षा है वो 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर, इग्नू PhD प्रवेश परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर के देख सकते हैं। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे बागेश्वर में आकाशीय बिजली से 123 भेड़ें मर गई हैं तो जिले में मौसम की दुश्वारियाँ अभी भी जारी हैं। तहसील के बोगिना से लगे बुग्याल में चरने गई 123 भेड़ों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर आई है, दून में शराब के ठेके रात 11 बजे तक खुलेंगे तो जिले में कोरोना के चलते शराब ठेकों पर देर रात तक खोलने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। शराब के ठेके अब सामान्य दिनों की तरह नगर निगम इलाके में सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। वही खबर आई है, कालसी चकराता मार्ग 8 घंटे तक बंद रहा तो जोनसार बाबर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाले कालसी चकराता मार्ग जजरेट के पास 8 घंटे तक बंद रहा। विकास नगर से खबर आई, जहां पर नदी में मिला युवक का शव तो आसन नदी में गुरुवार रात पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। जौनसार बाबर में हर्षोल्लास से मनाया गया जागड़ा पर्व तो जौनसार बाबर क्षेत्र में जागड़ा पर्व पारंपरिक ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं महासु देवता मंदिर में जागड़ा पर्व की धूम रही। उत्तराखंड में आउटसोर्स पर रखे जाएंगे 200 JEE तो उत्तराखंड में पेयजल एजेंसियां पेयजल निगम और जल संस्थान में बड़ी संख्या में JEE के पद खाली हैं। इससे जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में परेशानी आ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए 200 JEE को आउटसोर्स पर रखने की तैयारी की जा रही है। सभी निगमों के कर्मचारियों को दिसंबर तक मिलेगा अटल आयुष्मान कार्ड तो अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतोड़ी की बैठक में फैसला लिया गया है। वहीं परिवहन निगम के राज्यीकरण पर भी विचार किया गया है। रोडवेज में बुजुर्ग संविदा कर्मियों की सेवाएं को समाप्त कर दिया गया तो परिवहन निगम में कार्यरत 60 या उससे अधिक उम्र के सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव में समाप्त कर दी गई हैं। इसी के साथ 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को भी विशेष परिस्थितियों में ही ड्यूटी पर बुलाने के आदेश दिए गए हैं। प्रमोशन से रोक न हटी तो आंदोलन करेंगे तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों ने कहा कि तबादला एक्ट की विसंगति के कारण प्रमोशन पर लगी रोक न हटी तो एसोसिएशन को इसके खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं खबर आई हरिद्वार से, जहाँ पर मूल तैनाती पर भेजे जाएंगे हरिद्वार में जमे शिक्षक, CM ने लिया संज्ञान। पारदर्शी तबादला नीति बनाई जाए तो कार्मिकों को हटाने से नाराज उत्तराखंड सचिवालय संघ ने उठाई है मांग।
शिक्षकों की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी तो प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटीसीप लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले 1204 शिक्षकों को इसी महीने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी, जिन्हें काउंसलिंग के आधार पर प्रमोशन के पद पर तैनाती दी जाएगी। विधायक महेश नेगी के मामले में कांग्रेस ने खोला मोर्चा, तो आज पूरे प्रदेश में राज्य सरकार का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। पुलिस के बुलावे पर विधायक महेश नेगी फिर पहुंचे देहरादून। जांच अधिकारी सीओ ने करीब एक घंटे तक पूछताछ की। नुकसान के आकलन को हर न्याय पंचायत में खुलेंगे मौसम केंद्र, तो प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा या अन्य कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर मौसम केंद्र स्थापित करेगी। इधर खबर है, केदारनाथ यात्रा ठप, 150 यात्री रोके गए हैं, तो गौरीकुंड हाईवे के मुनकुटिया पर बड़ी पार्किंग के समीप भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा का संचालन तीसरे दिन भी नहीं हो पाया। भूस्खलन से बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे भी बंद है। रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि बेचने की व्यवस्था, तो मुख्यमंत्री ने कहा है तो प्रदेश में अधिक से अधिक जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाए, रेलवे स्टेशन पर भी जन औषधि बेचने की व्यवस्था की जाए ताकि गरीबों को गुणवत्ता युक्त सस्ती दवा उपलब्ध हो सके। यह बात शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जन औषधि केंद्रों की समीक्षा के दौरान कही है। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे झूला पुल के टावर पर चढ़ा युवक हड़कंप मच गया, तो जोशियाड़ा पुल झूला पुल के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद होने पर एक युवक झूला पुल के टावर पर चढ़ गया, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। डॉक्टर निशंक 24 अगस्त को करेंगे एनआईटी सुमाड़ी के अस्थायी कैंपस का शिलान्यास। गर्भवती की मौत पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, तो खबर है गैरसैंण से, जहां पे सीएससी में हुई गर्भवती महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने दोषी कर्मियों को दंडित करने, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने व मामले की जांच की मांग उठाई है। कोरोना की आशंका में गर्भवती को नहीं मिला इलाज, मौत हो गई, तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे कोरोना होने की आशंका के चलते एक गर्भवती महिला को निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ाया और अंत में इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। 9 घंटे जांच के लिए भटकती रही महिला, तो 5 माह से गर्भवती आशा देवी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की भेंट चढ़ गई। जिस वक्त उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, उस वक्त वह कोरोना जांच के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल परिजनों के साथ भटक रही थी। अंत में 9 घंटे तक भटकने के बाद भी इलाज नहीं मिलने पर उसने दम तोड़ दिया। काशीपुर से खबर आई, जहां पे लूट नहीं, पिता को बंधक बना करके बेटी से हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, तो घर में चोरी के इरादे से घुसे युवकों ने पिता को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करने के बाद उसकी नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस चारों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। बात करते देहरादून की खबरों की, तो कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने से उद्यमियों ने किए हाथ खड़े, तो जिला प्रशासन ने 10% कर्मचारियों का कोविड टेस्ट कराने का जारी किया था आदेश। जिले में कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की जान गई, तो सैंपल जांच रिपोर्ट में 95 नए कोविड पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मसूरी में वृद्ध दंपति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स में 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जबकि 13 पॉजिटिव मिले हैं। SDM 31 तक सरकारी जमीन का ब्यौरा दें, तो जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी SDM नगर निगम और तथा नगर पालिका के अधिकारियों को सरकारी जमीन का ब्यौरा 31 अगस्त तक देने के निर्देश दिए हैं। अब जनता तय करेगी शहर साफ है या गंदा, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जनता तय करेगी कि शहर साफ है या गंदा। इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को पब्लिक फीडबैक से जोड़ा गया है। मास्क सैनिटाइजर का ज़्यादा उपयोग पड़ सकता है भारी, तो कोविड-19 महामारी के दौर में खुद को संक्रमण से बचाने में साबुन से हाथ धोना और फेस मास्क का उपयोग करना जरूरी है। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि सैनिटाइजर के ज़्यादा उपयोग से आपकी त्वचा एक्जिमा की चपेट में आ सकती है। लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए संस्थान ने त्वचा विज्ञान विभाग के एक विशेष एलर्जी क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। एम्स की त्वचा
रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेसुता हजारिका व डॉक्टर रीता भाटिया का कहना है कि सैनिटाइजर और डिटर्जेंट से लगातार हाथ धोने से त्वचा से प्राकृतिक तेल निकल जाता है, जिससे त्वचा में सूखेपन की समस्या पैदा हो जाती है। वही खबर आई है, घरों में आ रहा है गंदा पानी, बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, तो देहरादून से खबर आई है। वहीं ट्रांसफार्मर फूकने और तार टूटने से बिजली आपूर्ति ठप रही, तो बड़ोवाला प्रेमनगर और बनियावाला सेवली लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। मुख्य परियोजना प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश, तो भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्विस्थापन प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के एक आदेश के तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने के मामले में रेलवे विकास निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। खबर है, कुमाऊं में खुलेगा दूसरा साइबर थाना, तो प्रदेश में दूसरा साइबर थाना खोले जाने को शासन ने स्वीकृति दे दी है। यह थाना कुमाऊं रेंज में खोला जाएगा। हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय ने माफ़ की अतिरिक्त फीस, तो मौजूदा सत्र में ट्यूशन फीस के अलावा लिए जाने वाले शुल्क को माफ़ करने की एबीपी की मांग को हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय ने की कुल सचिव ने मान लिया है। महानिदेशालय में भी बिना मास्क काम करते मिले स्वास्थ्यकर्मी, तो देहरादून से खबर है, जहां पे भवन को दो दिन के लिए बंद कर सैनिटाइज के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक के में कर्मियों के कोरोना संक्रमण मिलने पर सीएमओ ने किया निरीक्षण। वन आरक्षी परिणाम जल्द घोषित करने की मांग, तो बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेज करके वन आरक्षी परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बेरोजगार ने मांग की कि प्रकरण की जल्द एसआईटी जांच पूरी करने के साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, ताकि बेरोजगार को न्याय मिल सके। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो वन आरक्षी के पदों पर मौका, तो केंद्रीय चयन पर्षद में सिपाही भर्ती पर ये वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 484 हैं, तो इसके लिए एज 18 से 23 साल तक रखी गई है। इसके लिए ऑप्शनल वेबसाइट यहाँ पे csbc.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अंतिम तिथि इसकी 4 सितंबर तक रखी गई है। टेक्निकल ऑफिसर के पद खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 350 हैं, तो इसमें ecil.co.in पर जाकर के पूरी जानकारी और आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 30 अगस्त तक है। पैरामेडिकल पदों पर करें आवेदन, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर समेत कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए टोटल पद जो हैं वो 790 हैं, और इसकी एज 18 से 25, 18 से 23 इस प्रकार से अलग अलग पदों पर रखी गई है। तो ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त तक रखी गई है। crpf.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के पद रिक्त, तो 86 पदों पर NHPC में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 28 सितंबर रखी गई है। लोकगीत ने बढ़ाई तीज महोत्सव की रौनक, तो हरितालिका तीज उत्सव समिति ने गोरखाली सुधार सभा में आयोजित किया कार्यक्रम, महिलाओं ने दी शानदार प्रस्तुति। वहीं खबर आई है, राज्यपाल की निगरानी में मॉडल गांव बनेगा झाझरा, तो राज्यपाल ने गांव को लिया है गोद, विकास के लिए मिलकर काम करेंगे विभाग। आज घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा, तो कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों व कॉलोनियों में नहीं होंगे बड़े आयोजन, तो 11:30 बजे से 12:30 बजे तक है मूर्ति स्थापना का समय। तो उत्तराखंड विद्युत सभा के प्रवक्ता आचार्य वीरेंद्र प्रसाद ममगाई ने कहा कि शनिवार को अपराह्न 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। खबर है एक और द्वार से, जहां पे पिता पुत्र सहित 23 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर है देवाल से, जहां पे नंदा देवी के दर्शनों में उमड़े भक्त। खबर है गैरसैंण से, जहां पे ग्रामीणों का सीएससी में प्रदर्शन, तो अस्पताल में गर्भवती की मौत पर फूटा गुस्सा, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इसे खबर आई है, हाई स्कूल इंटर के अंक पत्रों का वितरण शुरू हो गया है, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र जिले में पहुंच गए हैं। बीते माह उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ था, अब नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है। अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को इन दस्तावेजों की जरूरत है,
मुख्य शिक्षा अधिकारी सिमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। आराध्य की पूजा कर लौटा 80 ग्रामीणों का जत्था, तो बगोरी और डूंगा जाई समुदाय के लोग हर साल जाते हैं लाल देवता की पूजा को क्यारकोटी पार्वती कुंड यात्रा पर। वहीं खबर है उखी माटे में 10 व कीर्ति नगर में 3 गांव में बिजली ठप रही है। स्वच्छता सर्वे में लैंसडाउन और गोचर अव्वल रहे, तो लैंसडाउन कैंट बोर्ड देश के टॉप 5 स्वच्छ छावनी में राजा की गोचर को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा स्थान मिला। खबर है श्रीनगर से, जहां प्रशासन ने दुकान में रखे 25 सिलेंडर को जब्त किए हैं। पर्वतीय राज्यों के लिए बने अलग नीति, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैदानी राज्यों की तुलना में पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए पर्वतीय राज्यों के लिए अलग नीति बनाई जानी चाहिए। वहीं खबर आई है आईपीएस बरिंदरजीत की याचिका पर सुनवाई 25 को होगी। हरिद्वार की खबरों की बात करता हूं, हरिद्वार से खबर है जहां पे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की में धक्का मुक्की हुई है, तो नए वार्डों में सफाई नहीं होने पर वाहन में कूड़ा भर करके मेयर कार्यालय पहुंचे थे भाजपा पार्षद। शायद ही सुलझे दोस्तों की खुदकुशी की गुल थी। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे सिडकोल में पबजी गेम खेलते हुए दो दोस्तों की मौत की गुलती शायद ही सुलझ पाए, पुलिस 72 घंटे की मता 25 के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। कमरे में साथ रहने वाले दोनों साथी भी ऐसा ही कुछ नहीं बता पाए जिससे जांच आगे बढ़ सके। पत्नी ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, तो खबर है भगवानपुर रुड़की से जहां पे खुबनपुर में पूर्व ग्राम प्रधान के बड़े भाई की हत्या, उसकी पत्नी ने प्रेमी और बेटे के साथ मिलकर की थी। पत्नी ने चाय में नशे की गोली डालकर बेहोश कर दिया, बाद में प्रेमी और बेटे के साथ गला दबा करके हत्या कर दी। बाद में महिला का बेटा और उसका प्रेमी बोरे में शव रख करके बाइक से जंगल में फेंक आए। महिला ने पति के जिंदा बच जाने के डर से दोबारा मौके पर पहुंचकर दरांती से उसका गला रेत दिया। पुलिस ने तीनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वन विभाग ने गुलदार पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा, तो खबर आई है भगवानपुर से। सुबह से रात तक पानी के लिए भटकते रहे, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे बल्ब लगाने से उत्तरी हरिद्वार की आपूर्ति बंद है। कमेटी के नाम पर करोड़ों ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, तो रुड़की और भगवानपुर के कई लोगों की मोटी रकम लेकर के फरार हुआ था। वहीं खबर है शहर के अंदर चलने लायक नहीं है हाईवे, तो शहर के अंदर दिल्ली हरिद्वार हाईवे चलने लायक नहीं है, बारिश के बाद जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी में 3 को गिरफ्तार किया गया है, तो खबर है पथरी से। नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी, तो हरिद्वार से खबर है जहां पे हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। वही खबर है जल्द तैयार होगी कोरोना वैक्सीन, तो राजराजेश्वरासम में कहा गया है। हिंदी साहित्य का बड़ा नाम है हेमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल, तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित वेब गोष्ठी में हेमवंत कवि चंद्र कुंवर बरतवाल को याद किया गया। वही खबर है अल्मोड़ा से जहां पे गर्भवती को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ाया, मौत हो गई है। हल्द्वानी नैनीताली खबरों की बात करें, तो लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र को मिली कई सौगातें, तो लाल कुआं विधानसभा के 1.5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर है। लाल कुआं विधानसभा को मुख्यमंत्री ने कई सौगातें दी हैं। वही खबर है यहां वहां मशीन खराब, जांच कहां कराएं साहब, तो सुशीला तिवारी अस्पताल में सीटी स्कैन बंद है, मशीन खराब हुई है। वहीं प्लाज्मा मशीन नहीं हुई ठीक, डोनेट नहीं कर सके हैं दानदाता, तो सुशीला तिवारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने से सीटी स्कैन नहीं हो पा रहा है। कोविड मरीजों का अलग सीटी स्कैन की जरूरत पड़ी तो अस्पताल प्रबंधन के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। 2 संक्रमित मिले बेस का सीएमएस ऑफिस बंद हो गया है, तो शोभन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल में सीएमएस कार्यालय में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर कार्यालय को बंद कर दिया गया।
स्वतंत्रता सेनानी मोती सिंह नेगी का निधन हो गया। तो खबर है रामनगर से। अब तो सरकार सुन लो मांग हमारी पूरी कर दो। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर बिंदु खता प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर विभिन्न संगठनों ने रोष जताया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं फीस वसूली के खिलाफ समर्थन देने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख। पहली पत्नी के बेटे का नाम सामने आया, तो उषा हत्याकांड के मामले में पहली पत्नी के बेटे का नाम पुलिस के समक्ष आया। पुलिस ने बेटे से पूछताछ के दौरान काफ़ी जानकारी हासिल की। पुलिस इस मामले में एक अन्य युवक की तलाश भी कर रही है। वही खबर आई है बरेली सिलाई स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खबर है नैनीताल से, जहाँ पे घायल किशोरी का घर जाने से इनकार। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर आई है जहाँ पे पल भर में उजड़ गया हंसता खेलता परिवार। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे चेसर गांव में मकान की छत गिरने से खुशाल नाथ और उसके दो बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीण का कहना है कि एक हादसे ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। 7 साल पहले खुशाल नाथ ने आगरा में प्राइवेट नौकरी करने के दौरान निधि से प्रेम विवाह किया था। पति और बच्चों की मौत के बाद निधि बदहास है। ग्रामीण का कहना है कि पूरा परिवार काफ़ी मिलनसार था। खुशाल और निधि हर छोटे बड़े कार्यों में लोगों की मदद को तैयार रहते थे। पूरे परिवार के अच्छे व्यवहार के चलते ग्रामीणों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। वहीं खबर है ये पिता के साथ देर रात तक खेलने के बाद सो गए थे बच्चे, तो पीड़ित परिवार लंबे समय से जर्जर हो चुके मकान को हटाने की कर रहा था मांग। पिथौरागढ़ घाट सड़क 17 घंटे तक बंद रही, तो घाट पिथौरागढ़ सड़क 3 जगहों पर मलबा आने से बंद हो गई। वहीं 17 घंटे बाद 20 से अधिक जेसीपी और पोकलैंड मशीन लगाकर सड़क को देर रात खोल दिया गया। मधकोट में बीआरओ के मजदूर को की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं खबर है चौखुटिया से, जहां पर रामगंगा में मिला प्रवासी का शव। कुमाऊं कमिश्नर के दौर के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति, तो आपदा का दर थापा में आपदा प्रभावितों को नुकसान के एवज नहीं मिल पाया मुआवजा। खबर है चंपावत से, जहां पे प्रधानों ने विकास खंड कार्यालय में की तालाबंदी, तो जिले के समस्त 8 ब्लॉकों के ग्राम प्रधान संगठनों ने मांगों को लेकर के खंड कार्यालय में तालाबंदी की है। पुण्यतिथि पर शहीद कुंदन को किया याद। झूला घाट अड़किनी तिराई में बेटे को संजाने देती उसकी माँ कस्मा देवी। चुका पहुंची मशीनें, एक हफ्ते में शुरू होगा काम। तो नेपाल सीमा से लगे टीजे मार्ग पर दूसरे पैकेज के अगस्त 2017 से लटका काम प्रदेश शासन की हरी झंडी मिलने के बाद एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा। इस खबर है मां जयंती का बिटोला देने ध्वज मंदिर पहुंचे ग्रामीण देवता। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे कनाली छिन्ना विकास खंड में सतगढ़ गांव में ग्रामीण देवता मां जयंती को बिटोला देने कोरोना के कारण मां का डोला सादगी से उठा। 8वां मेला प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा। तो खबर है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे जिला मुख्यालय में 8वां मेला प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाएगा। ब्रह्म कमल लाने के लिए गिन्नी के लोग नंदा कुंड हुए रवाना। तो गिन्नी गांव के लोग ब्रह्म कमल लेने के लिए नंदा कुंड रवाना हुए। लोग 50 किलोमीटर की यात्रा कर 5वें दिन नंदा मंदिर पहुँचेंगे, जिसके बाद 26 अगस्त को नंदाष्टमी को विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां नंदा को ब्रह्म कमल चढ़ाए जाएंगे। इस खबर आई है ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। तो चंपावत से खबर आई, टनकपुर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं लोहाघाट में 103, टनकपुर में 49 के सैंपल लिए गए हैं। अस्पताल में गुटबाजी पर बिफरे लोग, तो लोगों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन भेजा। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। तो खबर है ये चंपावत से, जहां पर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर दंपति के खिलाफ चल रही गुटबाजी से लोगों में आक्रोश है। जेसीपी पोकलैंड मशीन से डीजल चुराने वालों को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने 800 लीटर डीजल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निजी अस्पताल की छवि खराब करने को लगाए झूठे आरोप, तो
बीएनके अस्पताल प्रबंधक ने दी 1 सितंबर से अस्पताल बंद करने की चेतावनी। वहीं खबर है राजीव गांधी जयंती मनाई तो बनबसा में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। बोल्डर की चपेट में आया कैंटर चालक घायल हो गया, तो लोहाघाट से खबर आई है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे दो भाइयों ने आइसक्रीम उद्योग खोल करके जगाई रोजगार की अलग, तो सेलर्स नाम से बाजार में बेच रहे हैं आइसक्रीम। घोपोड़ में लगाया आइसक्रीम उद्योग। जीजीआईसी में कक्षा एक से होगा कक्षाओं का संचालन। तो खबर है बनबसा चंपावत से जहां पे बनबसा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अब कक्षा 6 से कक्षाएं संचालित होंगी। अब तक 9वीं कक्षा से 12वीं तक कक्षाएं संचालित होती थी। वहीं खबर आई है संस्कृत की ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए 24 तक करें आवेदन, तो उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी संस्कृत मास के तहत ऑनलाइन एकल संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें एकल संस्कृत श्लोक, संस्कृत गीत, वंदना गायन, स्रोत प्रतियोगिताएं होंगी। इसके लिए 24 तक आवेदन कर सकते हैं। दिसंबर तक सभी निगम कर्मियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की तो किच्छा नदी पर बनेगा 480 मीटर लंबा पुल, वित्तीय को मंजूरी मिल गई है। वहीं ऊर्जा निगम के 729 उद्योगों को नोटिस जारी किया गया है। तो खबर है काशीपुर से, रुद्रपुर से खबर है जहां पे सीओ ट्रैफिक पुलिस की फर्जी फेसबुक आईडी बना करके परिजनों से पैसे मांगे गए हैं। जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट समेत 70 लोग और मिले कोरोना पॉजिटिव, तो फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बीमार कैदी ने एसटीएच में दम तोड़ दिया, तो सितारगंज से खबर है जहां पे 5 दिन से बीमार कैदी की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। ठेका फर्म को पहले सी श्रेणी और फिर ए श्रेणी में दर्शाया गया है। ढीला बैला और किच्छा नदी का पानी सर्वाधिक दूषित है। वहीं खबर है काशीपुर से जहां पे सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण, 2 घंटे तक घर में रहे आरोपी, तो नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी 2 घंटे तक उसके घर रुके, बेहोशी की दवा उनमें से एक युवक ठाकुर द्वारा यूपी से लेकर आया था, चारों ने शराब भी पी थी। मयंक पीड़िता के किसी रिश्तेदार की गाड़ी चलाता है और मोहित की नज़र भी पहले से नाबालिग पर थी। बताया जा रहा है कि मयंक और मोहित ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इबादत का महीना मुहर्रम, तो मौलाना कादरी, तो जुलूस और जलसों पर खर्च होने वाली रकम जरूरतमंदों पर खर्च करने की अपील की है। वहीं मुहर्रम और गणेश चतुर्दशी पर नहीं निकलेगा जुलूस। चावल से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई हैं, तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से जहाँ पर बिना मास्क पहनकर घूमने वालों पर 197 लोगों का चालान किया गया है। 24 से खुलेगा ECH सेंटर, तो बनबसा छावनी परिषद का ECH सेंटर आज भी बंद रहेगा। डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों की 1 साल की फीस माफ की जाए, तो फीस माफी को लेकर के ABP कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। निजी स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन, तो रुद्रपुर में अभ्यागतों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। वही खबर आई है पंतनगर से जहां पे पिता पुत्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, तो गोला नदी में संदिग्ध हालत में मृत मिला था युवक। रुद्रपुर से गदरपुर तक 30 किलोमीटर साइकिल चलाई गई है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से किया गया साइकिलिंग ट्रैकिंग का आयोजन। वहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके भतीजे को बेच दी बाइक, तो मौसा ने अपने भतीजे के साथ ही धोखाधड़ी करते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन पर भतीजे को बाइक बेच दी। और खबर है रुद्रपुर से जहां पे 3 लोगों पर मारपीट का आरोप, तो ट्रांजिट कैंप थाना निवासी एक युवक ने DIG को शिकायती पत्र भेजकर पत्नी समेत 3 लोगों पर मारपीट और जेवर गायब करने का आरोप लगाया है।